आपको स्वागत है दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है और सुबह के 7 बज रहे हैं। तो इधर देखिए बाहर अभी मैं दुकान तरफ मतलब घर के बाहर खराटा लगा रही हूँ। और तो दोस्तों उतना सारा मतलब कचरा तो नहीं था, लेकिन मैं सोच रही थी कि साफ़ कर दूँ तो और ही अच्छा लगने लगता है। और क्या है, गर्मी के सीज़न में ना बहुत ही ज़्यादा मतलब कचरा उड़ उड़ के आ जाते हैं, लेकिन ना बरसात में उतना नहीं उड़ के आता था। तो मैं ना ऐसे मतलब पेड़ पौधे के पत्ते जो झड़े थे उसी को अभी झाड़ने में लगी हुई हूँ। और सभी हाउस वाइफ के रहता है ना, सुबह से उठती हैं तो घर का काम करती हैं, सबसे पहले झाड़ू ही लगाती हैं अंदर हो या बाहर, इसके बाद सारा काम करती हैं। तो इधर अभी मैं लगी हुई हूँ खराटा लगाने में, और इकट्ठा करके ना मैं सब जला दूँगी, क्योंकि ना एक फेंक भी दो तो क्या होता है कि उड़ के अंदर ही सीधे आती है। तो मैं सोच रही थी इसको इकट्ठा करके मैं जला दूँ, और कभी कभार कचरा वाला गाड़ी आता भी है और नहीं भी आता, तो इसके वजह से ना कचरा पड़ा ही रहता है। और ये दुकान का कुछ मतलब पन्नी निकलता है पॉलीथीन, तो उसको भी ना इकट्ठा करके मैं आग लगा के जला दूँगी। तो दोस्तों आप लोग मेरे वीडियो ब्लॉग में बने रहिएगा, और मेरा वीडियो ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगता है आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए। और इधर आ गई हूँ अंदर वाले आंगन में झाड़ू लगाने, तो देखिए अभी इधर ना लगा रही हूँ। और रात में ना बहुत ही मतलब शाम टाइम बाबू खेल रहा था, ये चूल्हा जहाँ मतलब मढ़ा हुआ है ना, तो इधर हम लोगों ने मिट्टी की छपाई किए हैं। तो क्या है ना, ये बाबू ने इधर को पूरा मिट्टी निकाल निकाल के पूरा अंदर फैला रहा था, तो उसको भी मतलब मैं साफ़ सफाई की बहुत ही मतलब निकाल के, उसको ना मना करो लेकिन वो ना खेलता ही रहता है, बहुत ही सारा मतलब मिट्टी निकाल रहा था। और मुझे डर था कि कीड़ा मकोड़ा जैसे बरसात के सीज़न में ना घुस जाते हैं मिट्टी के और अंदर। और दोस्तों ऐसे भी दीपावली टाइम में ना इसको हम लोगों ने पूरा मिट्टी निकाल के दूसरा मिट्टी लगा देंगे चूल्हे में, तो थोड़ा सा अच्छा लगने लगेगा, क्योंकि अभी ना बहुत ख़राब सा दिख रहा है, और जैसे बाहर आंगन में जमा हुआ है ना तो पानी पड़ता है ना, तो एकदम से सब गीला भी हो गया है और पूरा खुद सभी गए, तो एक भी अच्छा नहीं लगता। और छोटे छोटे कीड़े ना उसमें छेद करके मतलब घर सब बना लिए हैं, तो उसको ना मैं बाबू को मना भी कर रही थी कि चाप ना दे, उसको काट ना दे, लेकिन वो मानते ही नहीं हैं। और इसके बाद झाड़ू लगाने के बाद देखिए अभी मैं इधर पोछा लगा रही हूँ। और दोस्तों ये ब्लॉग है शनिवार के दिन का, तो काव्य मतलब अभी नहीं गई हुई तो उसको तैयार नहीं की थी, मैं सुबह से ही मतलब पोछा लगाने स्टार्ट कर दी थी, और उसके लिए अभी मतलब खाना भी नहीं बनाई थी, सिर्फ सब्जी बनाई थी और रोटी बनाना भी बाकी था। तो मैं सोच रही थी कि नल भी चल रहा है तो पोछा झाड़ू कर ही लेती हूँ, इसके बाद मैं काव्य के लिए कुछ खाना बनाऊँ, और थोड़ा मतलब टाइम भी था तो जल्दी जल्दी मतलब कर रही थी। तो इधर अभी लगी हुई हूँ पोछा लगाने में, तो सबसे पहले ना मैं भगवान वाले रूम का पोछा लगाई, क्योंकि ना काफ़ी नहा रही थी, तो मैं सोच रही थी जल्दी से मतलब नहा ले, इसके बाद ना पूजा पाठ कर दे, और मैं फिर इसके बाद अंदर वाले रूम में लगाने लगी थी। और अभी मुझे किचन भी का साफ़ सफाई भी करना था, क्योंकि हमें ऐसा मतलब जब भी खाना पीना बनाओ ना तो मतलब गंदा हो ही जाता है किचन, तो मैं डेली कर देती हूँ जब भी गंदा होता है। दोस्तों तीनों रूम को पोछा लगाने के बाद आ गई हूँ किचन में, और अभी आटा सान रही हूँ, सब्जी मेरा बन चुका था। तो दोस्तों मेरा हमेशा ना बस ऐसे ही ब्लॉग रहता है, तो मैं ना बाहर का ज़्यादा शूट नहीं कर पाती हूँ। तो दोस्तों जितने यूट्यूबर हैं मेरे, जितने यूट्यूब फैमिली में, उन्हें तहे दिल से धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार सपोर्ट हमेशा बनाए रखिए, और मेरी जो बहनें हैं मेरे वीडियो पर आती हैं प्यारे प्यारे कमेंट्स करती हैं, उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। आप लोग ऐसे ही अपना हमेशा साथ बनाए रखिए। तभी इधर लगी हुई हूँ आटा सानने में, और बनाना मेरे को रोटी, और मैं काबे से पूछती थी पराठा बनाना कि रोटी, तो बोली थी कि मेरे को रोटी खाना है। और जैसे कि मैं आप लोग कई वीडियो में बताएं कि उसको ना ज़्यादा ऑयल वाला चीज़ पसंद नहीं है, तो बहुत ही कम मतलब खाती है। तो इधर लगी हुई हूँ अभी आटा सानने में, और दोस्तों इतना मेहनत करने के बाद भी ना
एक दो ही मतलब इतना कम व्यूज मिलता है ना तो बहुत बुरा सा लगता है। और इतना अच्छा एडिटिंग करो ना फिर भी बहुत कम व्यूज मिलता है। और इतनी बड़ी मतलब सोशल मीडिया में सभी प्रकार के वीडियो अपलोड करते हैं सभी लोग, लेकिन अक्सर मैं देखी हूँ गंदा वीडियो बहुत ही ज़्यादा मतलब वायरल होता है और उसको लोग कई लोग तो पसंद भी करते हैं, लाइक भी करते हैं, कमेंट्स भी करते हैं, लेकिन जो सिंपल सा अच्छा वीडियो रहता है उसको ना कोई ना लाइक देता ना कमेंट करता ना कुछ, उसका मतलब व्यूज ही नहीं जाता है, बहुत कम ही जाता है। और जितना मतलब बेकार वीडियो रहता है ना तो उसको पता नहीं इंसान इतना लाइक करते इतना कमेंट्स करते हैं। और हम लोग थोड़ा बहुत मतलब मेहनत भी करके एडिटिंग करके अपलोड करते हैं लेकिन मिलता क्या है, दो चार ही छः ही व्यूज ऐसे मिल जाते हैं तो बड़ा बेकार सा लगने लगता है। कितना देखो मेहनत करो एडिटिंग करो टाइम निकाल कर। तो दोस्तों वीडियो बनाना तो आसान है लेकिन ना उसका एडिटिंग करना, थंबनेल बनाना और टाइटल लिखना वो बिना मेहनत के ना कुछ भी नहीं होता है। और उसके लिए ना थंबनेल के लिए भी थोड़ा सा मतलब सोचना पड़ता है कि नहीं आज के लिए हमारा मतलब क्या होगा क्या नहीं होगा टाइटल। तो सभी लोग मतलब सोचते भी होंगे कि ऐसी वीडियो तो हर कोई बना सकता है, लेकिन ना बना तो सकता है लेकिन एडिटिंग करना भी इतना आसान नहीं होता हर किसी के लिए, और ख़ासकर जो न्यू यूट्यूबर है ना उसके लिए तो और भी नहीं। तो दोस्तों आटा सानने को इधर रोटी बनाने में अभी लगी हुई हूँ और काबे ने हाथ धो के रेडी हो गई थी तो मैं सोच रही थी जल्दी उसके लिए बना दूँ कुछ तो लेकर जाएगी। और दोस्तों एक चीज़ और है यूट्यूब में, जैसे कि हम लोग वीडियो अपलोड तो कर रहे हैं लेकिन जब तक यूट्यूब ही डिलीट उधर से नहीं करेगा तब तक हमारा वीडियो डिलीट नहीं होगा और हम भी मतलब इधर से नहीं करेंगे तो नहीं होगा। तो क्या है ना कि इससे थोड़ा सा बहुत पुरानी से पुरानी तक वीडियो हम लोग जैसे अपलोड कर दिए हैं और बहुत साल बाद मतलब देखना भी चाहते हैं तो देख सकते हैं, मतलब बहुत साल के बाद भी यूट्यूब पर रहेगा जब तक यूट्यूब की कंपनी है तब तक। तो हम लोग ना यही सोच कर मतलब अपलोड भी कर देते हैं कि चलो मतलब वीडियो भी सेफ रहा जाएगा। मोबाइल में क्या रहता है कि कभी मोबाइल भी बिगड़ जाता है, मेमोरी भी फुल हो जाती है, कहीं क्या प्रॉब्लम हो जाता है। और इससे क्या है कि हम लोग वीडियो अपलोड करते हैं तो थोड़ा बहुत पैसा आएगा। तो हस्बैंड जी के जैसे घर पे थोड़ी सी पैसा की हेल्प हो सकती है तो यही सोच कर हम लोग मतलब वीडियो अपलोड करते हैं। तो दोस्तों आप लोग ऐसे ही हमेशा अपना प्यार सपोर्ट ऐसे ही हमेशा बनाए रखिए और मेरी कोशिश भी रहेगी कि थोड़ी बहुत जो ज़रूरतमंद है उनके भी थोड़ी बहुत मैं हेल्प कर सकूं, लेकिन जब आप लोग मेरी हेल्प करोगे तभी मैं आप लोग दूसरों की हेल्प कर सकती हूं। और दोस्तों मैं आप लोग से मिल रही हूं शाम के 5 बजे करीब। तो इधर अभी मैं झाड़ू लगा रही हूं और मेरा सारा का मतलब हो चुका था, बर्तन और अंदर भी मैं झाड़ू लगा चुकी थी, बस बाहर बचा था तो वही अभी इधर लगा रही हूं। तो दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, अपना अपने परिवार का ख्याल रखें।